अगर आपको ये समझना है कि ट्रिक क्या है, चमत्कार क्या है, श्रद्धा क्या है, एक ही चीज है, विश्वास एक ही चीज है, और इससे जो हटता है वो अंधश्रद्धा हो जाता है क्या, ये फैसला आप कीजिएगा। यहां पर अध्यात्म के और धर्म के जानकार भी मौजूद हैं, और वो भी मौजूद हैं जो जिनका दावा है कि ये सब ट्रिक है और ये ट्रिक के जरिए कर लिया जाता है। और यहां मौजूद है ऑडियंस भी जो खुद इसमें वॉलंटियर कर रही है और जिसको देखकर आप ये फैसला करेंगे कि एक्चुअली वो एलिमेंट कौन सा है। अब कंचन गिरी जी, मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप इनमें से किसी एक को बुलाएं जो वॉलंटियर करेंगे। आप किसको बुलाना चाहती हैं आप, ताकि ये ना हो कि इनका कोई परिचित था जिसको बुला लिया गया। तो बहुत सारे कंचन, बताइए कोई जिसको आप बुलाना चाहें, कोई एक चुन लीजिए जल्दी से। मैम ये इस बच्चे को बुला। किस बच्चे को? अच्छा आइए, आपके नाम पे तो लग रहा है आप सेलिब्रिटी की तरह, आपके लिए नारे लग रहे हैं। आप बीच में आ जाइए। अब आपको मैं माइक दे रहा हूं, आपको सामने रखते हुए, आपके वॉलंटियर करते हुए, कोई अब चमत्कार करेंगे ट्रिक, ये जनता फैसला करेगी। लीजिए। ये ट्रिक तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रिक सिर्फ मजिशियन, आप तो सिर्फ कीजिए, फैसला वो करेंगे। आप पढ़ते हैं किताब, मतलब किताबें वगैरह, तो आप देखिए, एक नॉर्मल बुक लेकर आया हूँ जिसमें सभी पन्ने अलग अलग हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये सभी थोड़ा ऊपर कीजिए और आप इसको कैमरे की तरफ कीजिए, वो उधर, हाँ बताइए। सभी पन्ने अलग अलग हैं और एक आम किताब है, एक नॉवल। नहीं, एक सेकंड इसको दीजिए थोड़ा, इससे मैं आपके करीब आ रहा हूँ, कैमरा जरा इसको दिखाइए। ये है वो बुक जिसको लेकर अभी जो होने वाला है वो आप फैसला कीजिएगा कि ये ट्रिक है कि चमत्कार है, ये क्या है। ये किताब है, ठीक है। आइए अब चलते हैं, इसको लीजिए। आपका नाम क्या है? विपिन भाटी। विपिन, मैं इसको कहीं पर भी इस तरीके से जाऊंगा, कहीं पेज बाय पेज, ओके, तो आपने कहीं भी मुझे स्टॉप बोलना है, और जो भी पेज पर पहला वर्ड है उसको आप अपनी तरफ दिमाग में रखिए और याद रखिए, स्टॉप यहाँ पर, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। इसे मैं फेस डाउन कर देता हूँ, क्योंकि एक पेज है, एक पेज पर अगर इन्होंने स्टॉप कहा, रैंडम पेज पे लाखों वर्ड हैं इस पे, और एक वर्ड आपके दिमाग में है ना, आप इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ लिया आपने अच्छे से, पढ़ लिया, वो वर्ड को आप अपने दिमाग में रखिए, और लाखों वर्ड में से एक वर्ड सिलेक्ट करना रैंडम, हो सकता है हमारी पहले बात हुई हो लेकिन किताब झूठ नहीं बोलेगी, किताब पर एक वर्ड आप सोचिए, उसके बारे में सोचिए, दिमाग में लेकर आइए। हाँ सोच रहा हूं। 3 से 4 5, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक अक्षर वर्ड है, है ना, चार, करीब चार अक्षर वर्ड है उसमें, चार लेटर हैं, सी डी ई एफ जी एच, नहीं चार नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओ आता है उसमें नहीं, ओ नहीं आता, ओ नहीं आता, ए बी सी डी, हाँ डी आता है, हाँ नहीं आपने बोलना नहीं, ओ भी आता है और डी भी आता है, नहीं आपने बोलना नहीं है, ओ आता है, हाँ वो आता है, आपने पहले ना बोला, आता है वो आता है, हाँ ओ आता है, और ओ पे तो मैंने पहले लिख दिया था, मैडम आप देख रहे हैं, वो मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पर, क्योंकि मेरे को यकीन था कि आप ओ है उसके अंदर, हाँ वो आता है, यहाँ माइंड में रखिए, चेंज नहीं करना आपने, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ। आखिरी अक्षर के बारे में सोचिए, दिमाग में लेकर आइए, बार बार उसके बारे में बात करिए। आपने देखा मैडम, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, है ना, अभी इन्होंने कहा नहीं है, तो क्या वर्ड है आप बताइए, डाउन, माई गॉड, एंड दे कॉल दिस इज अ ट्रिक। एक सेकेंड, अब ये किताब भी देख लें जरा, खोल लें कि ये दोनों कहीं मिली भगत तो नहीं कर रहे, एक सेकेंड, अब ये देखिए इसमें पहला वर्ड कौन सा लिखा हुआ है और यहां पे कौन सा वर्ड लिखा गया है इनकी तरफ से। पहला वर्ड इसमें लिखा हुआ है डाउन, और दूसरे इसमें आप देख रहे हैं स्लिप में भी जो वर्ड लिखा हुआ है वो ये डाउन, और इसको ये कह रहे हैं कि ये ट्रिक है। चलिए ट्रिक है, समझ में आया। अब मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि वो जैसे हम देखते हैं कि दरबार में लोगों को भाव आने लगते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे झूमने लगते हैं, बाल झटकने लगते हैं, वो क्या है वो, उसको सुमित आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? देखिए, जहां पर चमत्कार रहेगा वहां पर लोगों के दिमाग में ये सब बातें तो आएंगी। मैं प्लेइंग कार्ड्स के साथ आपको, अच्छा आप अपनी जगह पर पहुंचिए, आप दूसरे वॉलंटियर करेंगे, जाइए प्लीज, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। अब इस बार बाबा जी फैसला करेंगे ताकि कोई मिली भगत की गुंजाइश ना रहे। अब बाबा जी फैसला करें, लेकिन उससे पहले मेरा जवाब ले लूं, तब तक आप देखिए इन चेहरों में से किसको बुलाना है आपको। जी जहां भाव क्यों आने लगते हैं, लोग झूमने क्यों लगते हैं,
जहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज की कमी आ जाती है, आप उस चीज़ को आप चमत्कार मानने लगते हैं। मुझे लगता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सेम चीज़, मुझे बहुत से लोगों ने कहा क्या आप ये भी बता सकते हैं कि गड़ा हुआ खजाना मेरे घर में मैदान में कहाँ पर है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें बताना किसी को इस ट्रैक पे ले जाना, लेकिन लेकिन सुमित आप जानते होंगे कि सेंट हुड उनको दिया जाता है, जो जो जिनके जो चमत्कार करते हैं उनको सेंट की पदवी दी जाती है। तो फिर ये वो तो चमत्कार ही है ना, या उधर ट्रिक है? देखिए वहाँ क्या है, उनके क्या लॉजिक। अच्छा वो कहना मुझसे, एक सेकंड, इनमें से किसको बुला रहे हैं? इनमें से किसको, एक सेकंड बाबा, इनमें से किसको बुला रहे हैं? वो कॉर्नर की बिटिया को बुला, कॉर्नर की बिटिया आ जाइए, कॉर्नर वाली बिटिया। हाँ हाँ, आप आइए आप ही। अब ये देखिए, इनको नाम भी नहीं मालूम था, कॉर्नर वाली बिटिया को इन्होंने बुलाया है, वो यहाँ आने वाली है। और क्या गड़ा हुआ खजाना क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था गड़ा हुआ खजाना, बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जाता है कि हम निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि पैसा ऐंठना का एक आजकल ये बिजनेस बन गया है। और मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, आपको सेम एक कुछ तरीका मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगी। ऐसा है कि इन्होंने उससे क्वेश्चन किया, जब आप बागेश्वर धाम के दरबार में जाएंगे वो क्वेश्चन नहीं करते हैं या कोई वर्ड से नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। इन्होंने दो तीन ट्रिक अजमाया तो इसको ट्रिक बोलेंगे, और वहाँ अध्यात्म जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सवाल नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे बता दिया जाता है, इसलिए वो दूसरी विधा है, ये दूसरी विधा है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देख ले, ये क्या है जरा देख लीजिए। वहाँ जो है सो गुरु परंपरा है और इष्ट की, हम कार्ड्स खेलते हैं, वो गुरु परंपरा है और इष्ट की कृपा है जी। इसमें मैं आपको कोई भी एक कार्ड देने वाला हूँ, और इस कार्ड को आप दिखा दीजिएगा कैमरे पे, मैं घूम जाऊंगा कुछ देर के लिए, कहीं भी आप स्टॉप बोलिए। मैं आप, मैम इसको बाइक को थोड़ा कम मुंह के करीब रखिए प्लीज। हाँ कहीं स्टॉप बोलिए, स्टॉप। ये कार्ड आप दिखा दीजिए सबको, मुझे मत दिखाइएगा, मैं घूम जाता हूँ। अब अपने पास रखिए, अब बिल्कुल हाँ जी, और इसको छुपा कर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने नाम क्या बताया अपना? हिमांशी। हिमांशी, तो हिमांशी मेरे पास जो प्लेइंग कार्ड्स हैं इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पर फैला देता हूँ। एक सिंपल सी बेल है जिसको मैंने रस्सी के साथ बांध दिया है। कहते क्या हैं आप इसको? मैं तो इसे गोस्ट बेल कहता हूँ, जिसे मैंने नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में गोस्ट बेल नहीं है ये। आप ये बेल लीजिए और एक एक करके जहाँ पर कार्ड्स रखे हैं उनके ऊपर लेकर जाइए, थोड़ा नीचे हाथ ले जाइए, और धीरे धीरे एक के बाद एक दूसरे कार्ड पर आप पहुँचेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से एक बार सर्कल लगाते हुए जी, एक बार आप फिर घुमाइए, किसी और कार्ड पर बेल नहीं बज रही है। इसमें बेल बज रही है बाकायदा, बेल बज रही है। मेरे को ये दीजिए जरा, कुछ मतलब है इस बेल का जो आप इस ये बज रही है, देखिए ये कार्ड, क्या ये वही कार्ड है? हाँ। बाकी सब कार्ड ये वो कार्ड है। मैम आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी ने पहले जो कार्ड सेलेक्ट किया था वो ये कार्ड है, जो कि सुमित ने देखा नहीं था। उसके बाद रैंडमली ये तमाम कार्ड यहाँ फैला दिए गए, घंटी वहां जाकर, और इनके हाथ में है वो घंटी, ऐसा भी नहीं कि सुमित के हाथ में है।